मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद जन से मांगने के लिए शिवराज सिंह जी तैयार हुए, उनकी पार्टी तैयार हुई है। आप इस बात का कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि हमने सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान यही करते हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यही है, 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस मध्य प्रदेश में गायब हो गई पिछले 3 साल में, 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार इस प्रदेश में हमारे प्रदेश में होते हैं, किस बात का, इस बात का कि 4 लाख करोड़ का कर्जा आप लेते हो और लगातार पांडाल और माइक और विज्ञापन और आयोजन में 10 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो, कि इस बात का कि आप कर्ज लेके हवाई जहाज किराए से 200 करोड़ के 1-1 साल में चला देते हो, किस बात की जन आशीर्वाद है ये कि इस प्रदेश में आपने लोकतंत्र को तबाह कर दिया, लोकतंत्र को कलंकित कर दिया, लोकतंत्र को बेच दिया और खरीद लिया, किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि मेरे प्रदेश में वोट के लिए मेरा मुख्यमंत्री रोज ये कहता है कि मैं 200 रुपए डालूंगा, मैं 100 रुपए डालूंगा, मैं चप्पल खरीद के दूंगा, मैं बहनों को अलग अलग तरीके से कितना गुमराह करते हैं, इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं या इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं शिवराज जी आप, कि आप में से बीजेपी को भरोसा नहीं रहा? मैं अमित शाह यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा, नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज नहीं होगा, तो फिर आपको आशीर्वाद किस बात का? जब आपके नेता, आपकी पार्टी, आपका विचार, नरेंद्र मोदी, नड्डा जी आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो जनता कैसे दे? जनता का आशीर्वाद कमलनाथ पे और कांग्रेस पार्टी पे है, राहुल गांधी और उनके विचार पे है। इनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज जी माफी मांगो प्रदेश से, जो बातें मैंने कही आपने मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में ले गए हो, आपने व्यापम जैसा कलंक लगाया, माफी मांगो। माफी यात्रा, आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।